नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रेमवत। आप सबों का स्वागत है। हमने पिछले 6 जुलाई को विश्लेषण करते हुए आप लोगों को बताया था कि बिहार में नवंबर में चुनाव की परिस्थितियां क्यों नहीं हैं। हमने तब कोरोना से जुड़े भयावह होते जा रहे आंकड़े भी आपके सामने रखे थे। इससे पहले हमने 2 जुलाई को अपने फेसबुक पर जनता से सवाल पूछा था कि कोरोना का फैलाव इसी रफ्तार से होता रहा तो नवंबर में चुनाव कराना मुश्किल नहीं हो जाएगा बिहार में, चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि नहीं। हमने ये भी सवाल पूछा था। इसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अभी चुनाव से ज़्यादा कोरोना पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और को यूट्यूब पर विश्लेषण में हमने साफ साफ कहा था कि राजनीतिक पार्टियां बिहार में समय से यानी अक्टूबर नवंबर माह में चुनाव चाहती हैं। यह भी बताया था कि ज़्यादातर मीडिया हाउस चाहते हैं कि चुनाव समय से हों। इसकी वजह भी आपको बताई थी कि चुनाव में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदलती है, अखबारों को लाद कर विज्ञापन सरकार पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से मिलते हैं। हमारे विश्लेषण के बाद बिहार में सबसे पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया और सवाल दागा कि सरकार लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहती है क्या। इसके बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफ़ी नीचे रह सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि चुनाव से बढ़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना भी करना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी कहा कि कोरोना की भयावहता इतनी है कि ऐसे में फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो पाएगा, चुनाव टलना चाहिए। पटना हाईकोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर चुनाव टालने की मांग की। इसके बाद कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके लिखा, कोरोना की वजह से चुनाव और उसकी तैयारियों में कोई बाधा ना आए, इसलिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वे बिहार में कोरोना की जाँच की रफ्तार को बढ़ाएंगे। ये प्रशांत किशोर का बयान था। तो मेरे कहने का आशय यह है कि अब चुनाव को टालने की मांग जोर पकड़ने लगी है बिहार में। यही होना भी चाहिए था, हम यही चाहते थे। ऐसे वक्त में जब बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में फिर से लॉकडाउन की जरूरत समझी गई है और लॉकडाउन लगाया भी गया है, तब हम कैसे चुनाव की तरफ बढ़ सकते हैं। इस सब के बीच चुनाव आयोग से जुड़ी खबर भी प्रमुखता से अखबारों ने प्रकाशित की कि समय से ही चुनाव होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मीडिया चाहती है कि समय से चुनाव हो। इसकी वजह भी मैं पहले बता चुका हूं। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि जिस बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 पार जा चुका है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि नवंबर आते आते यह आंकड़ा कहीं 1,00,000 पार न कर जाए, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। वैसे में चुनाव में जहाँ जन मन की भागीदारी होनी चाहिए, उस जन मन की भागीदारी कैसे हो पाएगी। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है और चुनाव आयोग की यह जवाबदेही जिम्मेदारी भी है कि वह चुनाव में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसी की लंबी लड़ाई टीएन सेशन और केजे राव जैसे चुनाव सुधारकों ने लड़ी थी। कोरोना महामारी से ग्रस्त आबादी के बीच चुनाव से बड़ा मुद्दा कोरोना से जान बचाने का है, आर्थिक लाचारी दूर करने का है, खुद से कैसे फ्रस्ट्रेशन से बच कर रहें और आत्महत्या जैसे विचार मन में ना लाएं, इसका है। चुनाव आयोग अगर बार बार यह कहेगा कि चुनाव समय से ही होंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगी। आप समझिए कि किसी के यहां अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो निर्देश दिया जाता है कि 20 से ज़्यादा लोग शव यात्रा में न जाएं। वहीं साइकिल रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होते हैं, वर्चुअल रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ऐसी एक वर्चुअल रैली मुंगेर में हुई, मुंगेर के जैन धर्मशाला में की गई। उसमें 400 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। नतीजा यह हुआ कि उसमें 2 दर्जन भाजपा नेताओं समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी कुछ दिन पहले पटना में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, संगठन मंत्री नागेंद्र, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मौजूद थे। उसमें बेगूसराय से आए पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। अब उस बैठक में आए बाकी लोगों की भी जांच चल रही है।
राजधानी पटना की हालत तो ऐसी है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों पत्रकार और प्रेस फोटोग्राफर पहुंचते हैं, और नतीजा कभी भी पत्रकारों के बड़े समुदाय में कोरोना फैल सकता है, पसर सकता है। पहले ही पटना में कुछ फोटोग्राफर पॉजिटिव हो चुके हैं, इलाज होकर ठीक भी हुए हैं। यह बहुत भयावह स्थिति है। मीडिया हाउस पत्रकारों को कोरोना से जुड़ी सुरक्षा पर कितना ध्यान दे रही है, यह इन पत्रकारों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत सतर्क रहने का समय है। हम फिर से कह रहे हैं कि चुनाव से कोरोना भाग जाएगा तो समय से करा लीजिए चुनाव, और अगर चुनाव समय से कराने के बाद कहने से कोरोना बढ़ जाए तो फिर थम जाने दीजिए चुनाव को। लोग ही नहीं रहेंगे तो चुनाव होकर क्या होगा? जनमन की भागीदारी ही नहीं होगी तो चुनाव होकर क्या होगा? ऐसे चुनाव का क्या मतलब? किसका चुनाव और कैसा चुनाव? ये दो सवाल एक बार फिर मैं आप सबों के सामने छोड़ रहा हूँ। सोचिए कैसा समय है कि आम जन से लेकर विधानमंडल, सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास तक सभी इसकी चपेट में है। हर तरफ कोरोना दिख रहा है, उसकी भयावहता दिख रही है, लोग डरे हुए हैं। ये समझना चाहिए कि यह चुनाव जनता का चुनाव है, जनता के पैसे से चुनाव है, जनता के लिए चुनाव है। तो फिर जनता की राय लीजिए ना कि चुनाव समय से हो कि नहीं, यह क्यों नहीं हो सकता? महामारी काल में भी पार्टियां सर्वसम्मति से फैसले नहीं लेंगी तब कब लेंगी? प्रणय प्रियंबद को यहीं इजाजत दीजिए। आप सबों का धन्यवाद। जय बिहार।